नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूबर अनुश्री की लाइफ में ऑन माय चैनल स्टूडियो कला संगम। तो मैं आ गई हूँ सिटी पसाओ में, और जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मैं विजिट करूँगी इस्कॉन टेम्पल, तो आज आते आते हमें आफ्टरनून हो गई है और बहुत ही सुहाना सफ़र रहा हमारा। तो आज का प्लान ज़्यादा कुछ नहीं है, हम बस जाने वाले हैं बवारियन फॉरेस्ट नेशनल पार्क में। तो चलिए चलते हैं सीधे वहाँ पर। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूबर अनुश्री की लाइफ में, और इससे बेहतरीन जगह मुझे नहीं लगता कोई हो सकती है आज का ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए। मैं हूँ अभी बिल्कुल टॉप पर, और देखिए ये शानदार लश ग्रीन व्यू मैं एंजॉय कर रही हूँ। एंड तो इस जगह की डिटेल्स भी आपको मेरे ब्लॉग में मिल जाएंगी। ये कुछ ही किलोमीटर दूर है पसाओ सिटी से, एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इस्कॉन टेम्पल विजिट करने वाली हूँ, तो वो हम करेंगे कल। तो मेरे साथ इस ब्लॉग में बने रहिए और इस ब्यूटीफुल सिटी को मेरे साथ एंजॉय करिए। अपनी कार्स को पार्क प्लेस में लगाकर हम लोग आ गए हैं इस बवारियन फॉरेस्ट नेशनल पार्क में, और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हमें पता करना था कि हम टिकट कहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि हमने ऑनलाइन टिकट्स बुक नहीं किए थे। आप चाहें तो पहले ऑनलाइन टिकट्स बुक कर सकते हैं, लेकिन हमें ये जानकारी ज़रूर थी कि यहाँ पर हम अपनी प्रैम्स और किंडरगार्टन लेकर आ सकते हैं बड़ी आसानी से। तो ये किड्स फ्रेंडली प्लेस है, तो यहाँ पर आकर बच्चे भी बहुत इंजॉय करेंगे। एंड ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, बारिश होने की वजह से ना ग्रीनरी और बढ़ गई है, और बच्चे भी बड़े एक्साइटेड हैं इस प्लेस को विज़िट करने के लिए। लेकिन ध्यान रखिए कि आप जिस भी वेदर में जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पास सारी तैयारी होनी चाहिए। एंड क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती थी, तो हमने कनुषी की प्रैम में सबसे पहले रेन प्रोटेक्टर लगाया, और ताकि अगर बारिश हो भी जाए तो उसे कोई परेशानी ना हो। तो बस इसी तरीके से अगर आप सारे सेफ्टी मेजर्स के साथ चलते हैं तो आपको अपनी ट्रिप में कोई परेशानी नहीं आती और आप बड़े अच्छे से इंजॉय कर पाते हैं। अब हम लोग एक्चुअली जा रहे थे टिकट काउंटर की तरफ, क्योंकि हमें लेने थे टिकट ताकि हम मेन डेस्टिनेशन है वहाँ हम जा पाएँ। और हम लोगों ने लिया वहाँ पे फैमिली टिकट, क्योंकि हम लोग दो फैमिलीज थे, और बड़ी आसानी से आपको भी वो टिकट काउंटर मिल जाएगा, और चाहें तो आप ऑनलाइन टिकट भी बुक कर सकते हैं। बस यहीं से ये रास्ता चालू हो जाता है, और ये मेरी फ्रेंड मुझे गाइड करते हुए, उसे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि व्लॉगिंग करते करते मैं पीछे छूट जाऊं। और जब भी हम कहीं जाते हैं तो रुक रुक के सेल्फीज लेने का मज़ा तो अलग ही है ना। इस जगह पर एंटर करते ही राइट हैंड साइड में आपको दिखाई देगा ये मैप, जहां पर आपको काफ़ी जानकारी मिल सकती है, और आप चाहें तो www.baumwimpfelpfade.de पर भी जा सकते हैं और जानकारी के लिए। इस तरह के सेम स्ट्रक्चर और भी कई सिटीज़ में बनाए हुए हैं, और देखिए कुणाल इन सब के बारे में पढ़ते हुए और देखते हुए कि हमें कितना और ऊपर जाना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बड़ा ही कन्वीनियंट रास्ता है, और आपको पता भी नहीं लगेगा और आप बड़े आराम से आगे बढ़ते चले जाएंगे। मुझे भी थोड़ी घबराहट तो थी कि बच्चों के साथ और प्रैम के साथ कैसे हम लोग इतने ऊपर तक जा पाएंगे, लेकिन सच बताऊं तो मुझे पता भी नहीं लगा। इन्होंने जगह जगह पर बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए ये चीज़ें बनाई हुई हैं, और ना सिर्फ बच्चे, बड़ों को भी बड़ा मज़ा आता है यहाँ पर। और ये देखिए दोनों तरफ आपको ये इतने बड़े बड़े इतने लंबे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, और इन ट्रीज़ के बारे में हम यही बात कर रहे थे कि इतनी हाइट हम लोगों ने कभी ट्रीज़ की एक्सपीरियंस नहीं की। इतने पास से हम इतनी ऊपर चल रहे हैं और हम इन ट्रीज़ को टच कर सकते हैं, इन्हें फील कर सकते हैं। इनको जब हम नीचे देख रहे थे तो हम ये देख पा रहे थे कि कितने लंबी हाइट के ये ट्रीज़ हैं, और ये अपने आप में ही बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है। जब आप आएंगे यहाँ पर तो आप ज़रूर इस बात को महसूस करेंगे, और जब आप इन ट्रीज़ को टच करेंगे तो आपको मेरी ये बात ज़रूर याद आएगी। और देखिए यहाँ पर जगह जगह पर इन्होंने आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है कि यहाँ आपको कौन से एनिमल्स मिलेंगे, आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं, अपने बच्चों को बता सकते हैं।
सकते हैं। एंड सबसे अच्छी बात कि ये जो डिस्प्ले इन्होंने बनाए हैं बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से बनाए हैं, जो कि बहुत ही किड्स फ्रेंडली हैं। और मैं यहाँ पर समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं क्या क्या कैप्चर करूँ। हर एक रास्ता अपने आप में इतना खूबसूरत दिखे, ये जैसे एक नज़ारा मैंने कैप्चर किया तो सब कुछ इतना खूबसूरत मुझे लग रहा था, लेकिन मैंने बेस्ट अपनी तरफ से ट्राई किया कि मैं कैप्चर कर पाऊँ आपके लिए। एक समय ऐसा भी आया जब हमें अपने आप को याद दिलाना पड़ रहा था कि अभी तो हम अपनी मेन डेस्टिनेशन पे पहुँचे ही नहीं हैं जहाँ से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम लोग जितना भी इन्होंने ये रास्ता बनाया है उसे इंजॉय करते हुए चल रहे थे। और ये देखिए, ये बच्चों के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने जगह जगह पर ये चीज़ें बनाई हुई हैं, देखिए ये बच्चे इसे क्रॉस कर सकते हैं, काइंड ऑफ वेरी एक्साइटिंग। बट हाँ, हर जगह आपको थोड़ा 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 रुकते हुए भी काफ़ी टाइम लग जाता है। जैसा कि मैं आपको बता रही थी इन पेड़ों की हाइट के बारे में, तो देखिए मैंने यहाँ पर कैप्चर करने की कोशिश की है और इतनी हाइट मैंने दूर से तो देखा है लेकिन पास से कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। और वो भी जब हम ऊपर चल रहे हैं, पेड़ जो है वो नीचे से शुरू हो रहा है ऊपर तक जा रहा है, तो मुझे तो अपने आप में वो ही बड़ा एक्साइटिंग लग रहा था। और अब हम आ गए हैं बिल्कुल स्टार्टिंग पे और यही वो जगह है जहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी। तो देखिए ये कुछ इस तरह का नज़र आता है समर्स में, चारों तरफ हरियाली से घिरा हुआ, और विंटर्स में देखिए चारों तरफ बर्फ़ से घिरा हुआ है, ना खूबसूरत। फिर हम लोग पहुंच गए ऊपर जहां हम लोगों ने थोड़ा टाइम बिताया, इस खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय किया। और हाँ, रास्ते में इस तरीके से अपने पिक्चर्स क्लिक की, आप भी कर सकते हैं। मुझे ये आइडिया बड़ा पसंद आया, मेरी फ्रेंड का आइडिया था ये, और बहुत इन्जॉय किया मैंने। जहाँ भी आप अपना कैमरा लेकर जाएंगे आपको एक खूबसूरत व्यू मिलेगा। तो बस रास्ते को इसी तरीके से इन्जॉय करते हुए, फ़ोटोज़ क्लिक करते हुए हम लोग ऊपर तक गए, और अपने आप में बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके एनकरेजमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं इसी तरीके से और ब्लॉग बनाऊं और एक्साइटिंग कंटेंट आपके लिए लेकर आ पाऊं। तो अब हम मिलेंगे मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। बाय बाय।